हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरितालिका तीज और हरियाली तीज पर आप गौरी माता का श्रृंगार कैसे करें। जो स्त्रियाँ हरितालिका तीज पर हरियाली तीज पर माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियों को अच्छे घर भर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। वहीं हरितालिका तीज का पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हमें माता पार्वती का श्रृंगार किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले हमें माता पार्वती को सिंदूर दान करना चाहिए। सिंदूर दान करने से माता पार्वती बेहद खुश होती हैं और सभी स्त्रियों और कन्याओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप माता पार्वती को 3 बार, 5 बार और 7 बार सिंदूर दान कर सकते हैं। साथ में हम गणेश जी को भी सिंदूर दान करेंगे क्योंकि गणेश जी को भी सिंदूर अत्यधिक प्रिय होता है। अब हम माता पार्वती को काजल लगाएंगे। माता पार्वती हरियाली तीज और हरितालिका तीज पर सभी सुहागन स्त्रियों को सुहाग दान करती हैं, इसलिए सभी स्त्रियों को माता पार्वती को हरियाली तीज और हरितालिका तीज पर 16 श्रृंगार दान करना चाहिए। अब हम माता पार्वती को चूड़ियाँ दान कर देंगे। अब हमने जो लिपस्टिक ली है वो भी हम माता रानी के होठों से लगा देंगे। इस प्रकार से हमें माता के होठों से स्पर्श करा देंगे। अब हमने जो रबड़ बैंड लिया है वो भी हम माता के बालों में लगा करके इस प्रकार से माता के पास रख देंगे। अब हम माता पार्वती के कंघा से केश काट देंगे। इस प्रकार से हमें माता के कंघा से केश काटने चाहिए। अब हम गौरी माता को नेल पेंट लगा देंगे। जितनी भी लगाने वाली चीज़ें हैं जो हम गौरी माता को लगा सकते हैं उन सभी को हमें गौरी माता को लगा देना चाहिए। साथ में नेल पेंट हम भगवान गणेश को भी लगा सकते हैं। अब हमने जो बिंदी ली है वो बिंदी भी हम माता पार्वती को लगा देंगे और बाकी का बिंदी का पत्ता हम माता पार्वती के पास ही रख देंगे। इस प्रकार से हम माता गौरी को एक बिंदी भी दान कर देंगे। अब हम गौरी माता को लगाएंगे आलता। आलता आप माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश को भी लगाएंगे क्योंकि माँ के साथ यदि बच्चे का श्रृंगार कर दिया जाए तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें अपने बच्चे को श्रृंगार करते हुए देखना बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम माता पार्वती के मेहंदी भी लगा देंगे। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी हम सभी चीज़ें माता पार्वती को लगा देंगे। अब हमने जो ऑयल लिया है उसमें से थोड़ा सा ऑयल लेकर हम माता पार्वती भगवान गणेश को स्पर्श करा देंगे। अब हम भगवान गणेश का और भगवान भोलेनाथ का पीले चंदन से अच्छत से श्रृंगार कर देंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा सामग्री और हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही आप हरियाली तीज और हरितालिका तीज के लिए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी से किस प्रकार से बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से इसके भी कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जो हमने माता पार्वती को 16 श्रृंगार दान किए हैं बाद में आप ये 16 श्रृंगार किसी पंडित को या फिर अपनी सास को दान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव माता गौरी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव माता गौरी की जय।